प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आज के वचन में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले दिनों में हम लोग मिलकर सीख रहे थे कि चेलेपन की बुलाहट क्या होती है, कौन चेला बन सकता है, यीशु ने कैसे चेलों को बुलाया। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सच्चे चेले की पहचान क्या होती है, या कौन हमें पहचान सकता है कि हम सच में यीशु मसीह के शिष्य या चेले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिसाइपल ऑफ जीसस। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है, एक सच्चा चेला अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार यीशु से करेगा। लूका अध्याय 14 उसका 21वां वचन आप पढ़ सकते हो। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि हमें अपने माता पिता रिश्तेदारों से नफरत करना है या उनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी, बल्कि यीशु को अपने जीवन में हमें पहला स्थान देना है। क्या आप यीशु के प्रेम के खातिर अपनी उस फ्रेंडशिप को या उस रिलेशनशिप को जो आप प्रभु को नहीं भाता है या प्रभु से पहला स्थान देते हो, छोड़ने के लिए तैयार हो? हम सभी स्वभाव से खुद को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और मॉर्निंग से इवनिंग तक यही निश्चित करना चाहते हैं कि हम अच्छे दिख रहे हैं या हम कभी खुद को कष्ट देना नहीं चाहते हैं। और यही है जो चेलापन में एक बैरियर है या एक बाधा है। हमें इस चीज़ को चेंज करना है। हमको पहला स्थान अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को देना है। एक सच्चा चेला खुद का इनकार करता है। मती अध्याय 14 वचन 24 पढ़कर आप देख सकते हैं। खुद को इनकार करने का अर्थ है मसीह के स्वामीपन के प्रति खुद को पूर्ण रीति से समर्पित करना, कंप्लीट सबमिशन टू द लॉर्डशिप ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब है कि मसीह को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर राज करने देना और खुद को उस सिंहासन से नीचे उतार देना, अपनी इच्छाओं और योजनाओं को पूरा ना करके मसीह की योजनाओं व इच्छाओं को पूरा करना। एक सच्चा चेला जानबूझकर क्रूस उठाना चूज करता है, चुनाव करता है। मती अध्याय 16 पूरा पढ़कर देख सकते हैं, वहाँ पर इसका अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। क्रूस उठाने का मतलब कुछ शारीरिक बीमारी या मानसिक पीड़ाओं को सहना या उठाना नहीं है। ये सारी बातें सभी मनुष्यों को होती है। क्रूस लज्जा, सताव, बेइज्जती व अपमान का प्रतीक है। हमारे प्रभु ने इन सबको सहा है और यही बातें हमें मसीह के लिए सहनी पड़ सकती है। इन सब बातों को धीरज के साथ सहना ही अपना क्रूस उठाना होता है। यीशु हमसे प्रतिदिन क्रूस उठाने की बात करते हैं और कहते हैं, यह दर्दनाक है पर यही सच्चा मार्ग है जिस पर हमारा प्रभु स्वयं भी चला है और आज वो स्वर्ग में बैठकर हमारे लिए मध्यस्थता करता है। आपका अगला जो पॉइंट है वो है, एक सच्चा चेला मसीह का अनुसरण करते हुए अपना जीवन बिताता है। मती अध्याय 6 वचन 24 पढ़कर आप देख सकते हैं। मसीह का अनुसरण करने का मतलब है जिन रास्तों पर यीशु चला उन्हीं रास्तों पर हमें चलना है, आज्ञाकारिता का जीवन बिताना है। इब्रानियों वचन 5 और अध्याय 7 और 8। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जीना है, स्वार्थ रहित जीवन जीना है, लंबे समय तक अन्याय सहते हुए दुख सहना है और उत्साह से भरा हुआ जीवन, आत्म संयम का जीवन, नम्रता व तरस से, काइंडनेस से भरा हुआ जीवन, आत्मा से फला हुआ भरा हुआ जीवन हमें जीना है। गलातियों 5 का 22 से 23 वचन आप पढ़ सकते हो। अगला, सब मसीहों के प्रति एक गहरा प्रेम रखते हुए हमें मसीह जीवन जीना है। यूहन्ना अध्याय 13 वचन 35 पढ़कर आप देख सकते हो। एक निस्वार्थ प्रेम ऐसा प्रेम है जो दूसरों को अपने से अधिक समझता है। फिलिपियों 2:3 पढ़ सकते हो। यह एक ऐसा प्रेम है जो अनेक पापों को ढाप देता है। 1 पत्रस 4:8। ऐसा प्रेम जो लंबे समय तक दुख सहता है और दयालु भी रहता है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 4-7। बिना ऐसे प्रेम के चेलापन खोखला है, खाली है। 1 यूहन्ना 2:9-11 पढ़कर देख सकते हैं। 1 यूहन्ना 3:10-16, 4:20-21 भी पढ़कर देख सकते हैं। परमेश्वर के वचन से प्रेम व उसमें बने रहना है। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 31। मसीही जीवन को शुरू करना आसान होता है पर वास्तविक परीक्षा उस समय आती है जब समय कठिन होता है, जिसके लिए निरंतर वचन में बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लूका अध्याय 9 वचन 62 पढ़कर आप ये देख सकते हैं। अगला, सब कुछ त्याग कर यीशु मसीह के पीछे हो लेना। लूका अध्याय 14 वचन 33।
इसका अर्थ है उन सभी भौतिक वस्तुओं को त्याग देना जो मनुष्यों के लिए आवश्यक नहीं है और जिन्हें सुसमाचार की बढ़ोतरी में इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने धन को भी परमेश्वर के बाद स्थान आपको देना है। सच्चा चेला अपने इस धन का बचा कर नहीं रखता जो इसके लिए आवश्यक नहीं है, यहाँ तक कि कई बार अपनी आवश्यकताओं को भी प्रभु के राज की बढ़ोतरी के लिए दे देता है। आपका अगला पॉइंट है, एक सच्चा चेला आत्मा के चलाए चलने का कोशिश करता रहता है। गलातियों अध्याय 5:16-17, वह जानबूझ कर पाप नहीं करता, 1 यूहन्ना 3:6-7, वह पाप से प्रेम नहीं करता। मसीह को ग्रहण करने से पहले हम सब आत्मिक रूप से मरे हुए थे। पौलुस इसका वर्णन इफिसियों 2:1-3 में करता है, पर पौलुस कहता है कि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। इफिसियों 2:5 पढ़कर आप देख सकते हैं, अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं, तो क्या सच्चा चेला बिल्कुल पाप नहीं करता है? क्या वह सिद्ध होता है? नहीं। 1 यूहन्ना 1:8 पढ़कर देख सकते हैं, परंतु वह पाप से संघर्ष करता है, लड़ाई करता है, स्ट्रगल करता है। वह अपनी मर्जी से पाप को अपने जीवन में समर्पित या हावी होने नहीं देता है। रोमियों 7:9-21 पढ़कर देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको सिखाने की कोशिश किया परमेश्वर के वचन से कि एक सच्चे चेले की बुलाहट क्या होती है, एक सच्चे चेले का कैरेक्टरिस्टिक्स, एक सच्चे चेले को किस रीति से अन्य व्यक्ति जो अविश्वासी है या विश्वासी है कैसे पहचान सकता है। तो हम ऐसे ही मिलकर परमेश्वर के वचन को निरंतर हर दिन सीखते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रभु आप सभी को आशीष करें। हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।